मेरा नाम हिरा सदीकी है, मेरे अबू का नाम अजीज़ुर रहमान है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी घर में, तो उनको जो है मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की कि अबू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा कि आप उनको लेके आ रहे माए आज। जब वो उनको लेके आ रहे माए आ रही थी तो अबू के उल्टे हाथ और उल्टे पाँव में वीकनेस थी, उनका जो है वो बिल्कुल ड्राउजी थे, होश में नहीं थे। मैंने उनको कहा आप उनको लेकर आए। जब यहाँ पे आ रहे माए उनको लेकर आए, मैंने उनको देखा तो उनके सिम्टम्स हमें स्ट्रोक के लग रहे थे, फालिज के लग रहे थे। उनको हम इमरजेंसी में लेकर गए, इमरजेंसी में उन्होंने चेक किया, सिटी स्कैन वगैरह किया। सिटी स्कैन करने के बाद पता चला कि इनको स्ट्रोक हुआ हुआ है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए एक नई ड्रग इंट्रोड्यूस हुई हुई है जो कि KPK में फर्स्ट टाइम आई हुई है। अगर आप अपने कंसर्न से हमें देती हैं तो हम इस पेशेंट को ये ड्रग लगाते हैं जिसका TPA ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट से ये होगा कि पेशेंट के रिट्रीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अगर ये इंजेक्शन इनको लग जाता है फालिज के होने के 4 घंटों के अंदर अंदर, तो पेशेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी से जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाए। तो फिर मैंने इनको परमिशन दे दी, मैंने कहा आप लगा दें। इन्होंने उसी तरह इंजेक्शन लगा लिया तकरीबन 2 o'clock के करीब, और राउंड अबाउट 5 o'clock के करीब देखा तो बाबा के नर्व्स काम करना स्टार्ट कर गई थी, उनकी जो मूवमेंट्स थी वो दोबारा रिट्रीव कर गई थी। उन्हें कहा 24 आवर्स थोड़े से क्रिटिकल होंगे और लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर इनकी जितनी भी ये नमनेस है ये रिकवर हो सकती है। और उनके कहने के मुताबिक उसी तरह बाबा में काफ़ी रिकवरी आ गई थी, उनकी जो स्लरली लैंग्वेज थी वो भी ठीक होने लगी थी, हाथ पाँव में मूवमेंट भी उनकी स्टार्ट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे अब्बू का हॉस्पिटल में 3रा दिन है और माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी कर चुके हैं। वॉशरूम भी अब वो खुद आ जा सकते हैं, सपोर्ट के साथ है लेकिन आ जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट डे पे वो टोटली कम्प्लीटली बेड रिडन थे, अभी उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया है। मेरा आप सबको मशवरा ये है कि अगर आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी खुदा न खास्ता फालिज होता है या इर्द गिर्द लोगों में किसी को भी ऐसा कुछ होता है, तो आप उन सबको ये मशवरा दें कि वो 4 घंटों के अंदर अंदर अपने पेशेंट को RMI पहुँचाएँ और TPA की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएँ ताकि आपका पेशेंट जल्द अज़ जल्द सेहतयाब हो जाए।